चार गिनने तक चारों के पर्दे हट जाने चाहिए। क्यों? एक, दो, तीन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चार। हिलना नहीं, आगे मत आना। कोई तरीका है किसी वीआईपी के घर आने का? भैया भैया वो गणपत इस घर में आकर छुपा हुआ है। भैया भैया वही गणपत जिसने अपनी मोहल्ले में आकर सरिता के साथ बदतमीजी की थी। वो एक बहुत बड़ा स्मगलर है भैया, ड्रग्स का डीलिंग करता है वो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बहुत सारे सबूत है सर मेरे पास। मैंने खुद अपने आंखों से उसके अड्डे और धंधे देखे हैं। आप उसे बाहर निकाल कर पूछे, एक घंटे पहले वो अंबर होटल के बाहर क्या कर रहा था? एक घंटा पहले अंबर होटल में? हाँ सर। पागल तो नहीं हो गए तुम? वो तो दो घंटे से मेरे साथ है। क्या हुआ अंकल? ये हमारा बच्चा है। नमस्ते। देश का भावी युवा नेता है ये। अब तुम इस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? झूठ पे पर्दा तो आप डाल रहे हैं। नेता के रूप में बहरूपी है आप। आज पता चला इन सबको आपकी शय है, इसलिए ढाल बनकर बचा रहे हैं आप इसे। चाचा, ढाल तो तेरा भाई बना हुआ है, वरना अभी तू मौत के घाट उतार दिए जाता। मौत तो मैं तुझे। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? क्या मंत्री जी झूठे हैं? हाँ भैया, ये सब झूठे हैं। नाउ बिहेव योरसेल्फ रघुवीर, मैं इनका बॉडीगार्ड हूँ और इस वक्त इनकी ड्यूटी पर हूँ। अपनी हद से बाहर मत जाना। सर प्लीज गिव मी अ लास्ट चांस, मैं समझाऊंगा इसे। जस्ट टेक हिम अवे, ले जाओ इसे। इसके दिमाग की कोई नस ज्यादा फट रही है, काट कर बाहर फेंक दो उसे, वरना मर मरा जाएगा ये। आज तो तुम्हारी वजह से ये बच गया, लेकिन आइंदा आई विल नॉट टॉलरेट इट। चलो रघुवीर, चलो चलो। तू भी मेरे भाई की वजह से बच गया। चलो रघुवीर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चलो, नहीं छोड़ूंगा गणपत, नहीं छोड़ूंगा। मंत्री अंकल,
मंत्री अंकल, ये धमकी, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफले चलते रहते हैं। ये वही जगह है जहां हम आने वाले कल के सपने संजोया करते थे। ये वही जगह है जहां तू नेशनल हीरो बनने की बातें किया करता था। ये वही जगह है जहां पिछले 20 साल से हम हर दिन की शुरुआत किया करते थे। तेरी आखिरी मंजिल जेल की कोठरी या पुलिस की गोली है, और मुझे दिलवाएगा तू शर्मनाक बदनामी की कालिक। तेरी वजह से भाई भाई का रिश्ता आखिरी दम पर है। आज इस रिश्ते का नया जन्म होगा या फिर मौत, फैसला तेरे हाथ में है। मैं आपका सर झुकने नहीं दूंगा भैया। आज चाहे मैं अकेला हूं, लेकिन कल सारा देश मेरे साथ रहेगा, और आप भी। जहां से भी आप गुजरेंगे लोग कहेंगे, देखो देखो रघुवीर वर्मा का बड़ा भाई रवि वर्मा जा रहा है, नेशनल हीरोज ब्रदर। तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए बार बार टोकते रहते हैं कि कहीं तुम किसी खतरे में ना पड़ जाओ। मुझे दूसरों की परवाह नहीं, दुख है तो सिर्फ इस बात का कि भैया भी मुझे। I cannot tolerate this. मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। हेलो, कौन बोल रहा है? रघुवीर। रघुवीर, क्या बात, क्या चाहिए तुम्हें? दोनों भाइयों के बीच दीवार तो खड़ी कर दी तूने, अब अपने इर्द गिर्द पहाड़ भी खड़े कर लेना। तेरी हर सांस के पीछे मौत बनकर खड़ा हूं मैं। तेरा एहसास घिनौना सहन करूंगा कि दोबारा कोई रावण रघुकुल की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। और सुन, इसे धमकी मत समझना, मैं ऐसे करके दिखाऊंगा। समझ गया ना? हाँ समझ गया। समझ जा। हमारा दुश्मन दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है, और हम। मैं लुट गया रे, लुट गया। ओफो, निधिराम की एक बात याद रखना सेवक, हम वो तूफान हम दोनों के तंबू खूंटों समेत उखाड़ देगा, और तू मैं लुट गया रे, मैं लुट गया रे, यही करते रहोगे, देख लेना। अरे भाई देख लेंगे और दिखा भी देंगे, तंबू तो अब रघुवीर का उखड़ेगा। अब जो चौपट की बाजी हम खेलने जा रहे हैं ना, उसमें पहले उतरेगा हमारा गजानन गणपत। मंत्री अंकल, आप हर बात कितनी सोच समझ कर करते हैं। आप हुक्म कीजिए, मैं रघुवीर के छक्के चौड़ा दूंगा, मैं तैयार हूं। हाँ तो तैयार हो जा छोरा, कल तेरा मर्डर होगा। सेवकराम। मुझे क्यों मरवा रहे हो? सेवकराम, तू भूल रहा है कि गणपत मेरा भाई है। मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, ये राजनीति की रणनीति है भाई। गणपत और रघुवीर की दुश्मनी हमारे लिए बहुत फायदे की चीज है। उस दिन हमने ऑफिस में हमले का नकली ड्रामा किया था, उसके मुकाबले में ये बहुत बड़ी एक्शन फिल्म होगी। हाँ, पड़ गया पंगा, अब समझा मैं रणनीति। हाँ, लाश किसी और की जलेगी। हाँ, बुत मेरे गणपत का लगेगा। सेवक राम, तुम्हारी इस एक्शन फिल्म में मेरा बड़ा इमोशनल रोल होगा। मैं रोऊंगा, छाती पीटूंगा, चिल्लाऊंगा, दीवारों में टक्कर मारूंगा। मेरा गणपत मर गया, मेरा गणपत मर गया, मेरा गणपत मर गया। सब कुछ नकली होगा, लेकिन वो ग्लिसरीन जिससे कि आंसू आते हैं वो असली होगी। क्यों, पड़ गया ना पंगा? ए ए मारो तुम लोग, ए ए मारो तुम लोग। तुम लोग
लोगों को अपने डायलॉग याद हैं? जी हाँ बिल्कुल याद है। जाओ डाल दो पंगा। अच्छा अनर्थ हो गया। रघुवीर ने आपके भाई गणपत का कत्ल कर दिया। जी हाँ। राम! मेरी आंखों के सामने इसने गणपत को जलती हुई आग में फेंक दिया। नहीं, नहीं, कबीरे, तूने मेरे भाई को मार डाला। मेरे भाई ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने तेरा? मैंने किसी को नहीं मारा। हमला तो उन लोगों ने हम पर किया था। झूठ बोल रहे सब लोग। झूठ बोल रहे सब लोग। झूठा ये सब। ये मैंने किसी को नहीं मारा। किसी को नहीं मारा मैंने। ये सब झूठा। झूठ बोल रहे सब लोग। पुलिस को बुलाओ। मेरे भाई को मार डाला। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई को मार डाला। कभी तेरे मेरे छोटे से भाई को मार डाला। ये रघुवीर, इसने मेरे भाई को अभी अभी आग में जलाकर मार डाला। अरे स्टेम, ये झूठ है।